अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्वतंत्रता दिवस जब आ रहा था, स्वतंत्रता दिवस आते आते देश में झंडा फहराने की कई तस्वीरें अपलोड की जा रही थी और शेयर की जा रही थी। इसी में से एक तस्वीर है श्रीनगर के लाल चौक की, जहाँ घंटाघर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसे 15 अगस्त से सुबह से शेयर करते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस तस्वीर को शेयर किया कि श्रीनगर में लाल चौक पर घंटाघर के ऊपर ये राष्ट्रीय ध्वज जो लहराया जा रहा था, इसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट किया और शेयर किया और फेसबुक पे पोस्ट भी किया। इसी में से हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कपिल मिश्रा की, जिन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया। उनको करीब करीब 50-60 हज़ार से ज़्यादा लाइक मिल चुके हैं और 9 हज़ार से ज़्यादा रिट्वीट किए जा चुके हैं। तो आखिर क्या वास्तव में इस राष्ट्रीय ध्वज को घंटाघर के ऊपर श्रीनगर में लाल चौक में घंटाघर के ऊपर इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, आखिर क्या है इसकी सच्चाई? मोदी सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था और तभी से यह राज्य बिना हाई स्पीड इंटरनेट के चल रहा है और ये वापस पटरी पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि लद्दाख से भाजपा एमपी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाम्यांग सेरिंग नामग्याल और भाजपा एमपी किरण खेर ने भी इस फोटो को शेयर किया और बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता दें कि न्यूज़ नेशन ने भी एक रिपोर्ट में इस तस्वीर का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में लिखा था, क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ, कि लाल चौक पर झंडा फहराने को लेकर खून खराबा होता आया है, लेकिन अब शान से तिरंगा लहरा रहा है। दैनिक जागरण ने भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों रिपोर्टों में दावा किया कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की 74वीं वर्षगांठ के मौके पर श्रीनगर में ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। एबीपी न्यूज़ के भी एक पत्रकार जिनका नाम आस्था कौशिक है, इस तस्वीर को ट्वीट किया। अब आइए इस तस्वीर का फैक्ट चेक करते हैं। एक साधारण से रिवर्स सर्च इमेज से इस तस्वीर का पर्दाफाश किया जा सकता है और आपको बता दें कि इसी तस्वीर को पुराने फोटो के साथ नया जोड़कर, यानी पुराना फोटो ये था और इसमें एडिटिंग करके इसके ऊपर झंडा लगाकर इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। दरअसल ये तस्वीर कुछ साल पहले mobassi.blogspot.com नाम से एक ब्लॉग स्पॉट पर यही फोटो 2010 में पोस्ट की गई थी। दोनों तस्वीरों में बाई तरफ कार और एक आदमी को देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक हैं। ये तस्वीर 2010 में mobassi.blogspot.com पर शेयर की गई थी, जिस तस्वीर 2010 की है, और इसी तस्वीर को एडिट करके ये कहा जा रहा है कि अब श्रीनगर में खून खराबा नहीं होता और शान से राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि पिछले साल 5 अगस्त को जो विशेष राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर को मिला था वो ख़त्म करके अब जम्मू कश्मीर बहुत ही अच्छी हालत में, वो ये बताना चाह रहे हैं, और वहाँ कोई खून खराबा नहीं होता वो ये बताना चाह रहे हैं, और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा है वो ये बताना चाह रहा है। यानी उनकी गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को हासिल था उसको समाप्त करके बहुत ही अच्छा काम किया और उसके बाद वहाँ पे कोई खून खराबा नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं इस तस्वीर को वायरल करके और इस झूठी तस्वीर को वायरल करके। मैं ये कहूँ कि आप जनता को धोखा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप 2010 की तस्वीर को एडिट करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके बहुत ही अच्छा काम किया है और आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्लॉग लिखने वाला, यानी कि जो 2010 में शेयर की गई थी जो तस्वीर, वो ब्लॉग लिखने वाले मुबस्सिर मुश्ताक ने कपिल मिश्रा के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए ये लिखा कि मैंने ये तस्वीर 22 जून 2010 को खींची थी। यानी कि मुबस्सिर जिन्होंने ये तस्वीर 2010 में शेयर की थी, उन्होंने कपिल मिश्रा के ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बताया कि ये मैंने 2010 में खींची थी, 22 जून 2010 को ये मैंने तस्वीर खींची थी और आप लोग इसको अब एडिट करके शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ट्वीट भी। पत्रकार अहमद खान ने आर्ट न्यूज़ को लाल चौक के घंटाघर की तस्वीर भेजी। ये तस्वीर 15 अगस्त को ही खींची गई थी, लेकिन इसमें झंडा नहीं दिख रहा है। आप इस तस्वीर को भी देख लीजिए और अहमद खान ने 15 अगस्त को ही वीडियो भी बनाया था, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि ना वीडियो में ना तस्वीर में ही ये झंडे की तस्वीर दिख रही है, यानी कि ना ये पिक्चर में ना ये वीडियो में झंडे की तस्वीर नहीं है।
इस लेख के लिखे जाने तक भारतीय राष्ट्रीय झंडे को श्रीनगर के लाल चौक में नहीं देखा गया। द कमिश्नर मॉनिटर के अनुसार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह श्रीनगर के एसके स्टेडियम में मनाया गया है। वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया। रिपोर्ट के अनुसार घाटी में पहले दिन के समारोह जिला मुख्यालय में मनाए जाने के साथ शनिवार को पूरे कश्मीर में 2G इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। जब वह सुबह उठे वहां पे लोग तो कॉलिंग सेवाएं भी सही से काम नहीं कर रही थी। तो वहां पे जो समारोह मनाया गया वो एसके स्टेडियम, श्रीनगर के एसके स्टेडियम में मनाया गया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लाल चौक में घंटाघर के ऊपर झंडा फहराया गया है। इस राष्ट्रीय ध्वज की जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि लाल चौक पे, यानी कि श्रीनगर के लाल चौक पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा झूठे दावे किए जाए। कई प्रतिष्ठित लोगों ने तस्वीर डालते हुए यह दावा किया कि लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसमें कौन कौन था? इसमें थे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली आईटी सेल के सदस्य संदीप रजलीवाल, आज़ाद सेना के अभिषेक आज़ाद, फ्रेंड्स ऑफ RSS, रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्णब गोस्वामी की पैरोडी अकाउंट और गौरव प्रधान शामिल थे। यानी कि सारे BJP वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में इस बार आज़ादी का जश्न बहुत ही शान से मनाया गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट चेक करने वाले हैं और उनकी जो झूठ है वो आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो अब मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा कि आखिर ये काम करने की क्या ज़रूरत थी जब श्रीनगर के लाल चौक में झंडा नहीं फहराया गया, तो फर्जी तस्वीर शेयर करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर शेयर की तो क्या ये मकसद था कि सारी जनता ये समझे कि श्रीनगर के लाल चौक की हालात बहुत ही सही है और 5 अगस्त 2019 को जो काम किया गया जम्मू कश्मीर के साथ वो बहुत ही सही निर्णय था? क्या वो ये जताना चाहते हैं? तो मैं सारे अंधभक्तों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप इस तस्वीर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।